कैंपेन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ की हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कोई गैदरिंग खड़ी ना हो। अभी हमने मक्का माल रेजिडेंसी के तावन से यहाँ पे आज पूरा दिन हो गया, पूरे शहर में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए सिर्फ इस मकसद के लिए कि अब जो है आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो डिज़ास्टर आया और पूरी दुनिया में डिज़ास्टर है, तो हम सबको चाहिए कि अब हम जो है इंसानियत के दामन को पकड़ लें। जहाँ पर हमें मजबूर, गरीब और ज़रूरतमंद नज़र आते हैं, हमने उसकी हेल्प करनी है। इसके लिए इस नेक काम में मेरे साथ तावन किया है मक्का माल रेजिडेंसी के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, बाबर यूसुफ भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे सर, थोड़ा सा मास करके और बताएं कि हम आपका एक तो शुक्रिया अदा करते हैं और आप क्या मैसेज देते हैं कौन कौन सवाले से। आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए इधर हमारे पास, और ये मौका ऐसा है कि अब इसमें हम सबको जो है ना, जितने भी हमारे कमज़ोर तबके हैं उनके हेल्प करनी चाहिए और उनको साथ लेके चलना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए, हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम नहीं बनानी चाहिए, खुद अपनी भी जो है ना एहतियात करनी है। तो जो हमारे मजदूर तबका है अगर वो घरों पर बैठे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं है, उनको करना चाहिए हमें। फिर मैं इंशाल्लाह हम काम भी कर रहे हैं, करते भी रहेंगे ताकि साथ साथ उनके चूल्हे भी चलते रहें और एहतियाती तदाबीर भी पूरी होती रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के भी इतने वसाइल नहीं है कि जो उसमें मिल के जो है वो सबको लॉकडाउन करे या लॉक करे। इसी तरह हम जो ये एक मुश्किल वक्त आया हमारी कौम के ऊपर, तो इससे इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे अगर हम एहतियात करेंगे और एक दूसरे को अगर साथ लेके चलेंगे, सबका एहसास करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वंस अगेन एक मरतबा फिर कहता हूँ, अभी गवर्नमेंट की लोगों के कारोबार बिल्कुल बंद हैं, अब हमने बातों पे तवज्जो नहीं देनी। और खुदा के लिए एक बात याद रखिए, आप जितना भी अपने लिए जमा किया हुआ है, जितना आप ज़खीरा अंदोजी कर रहे हैं, अगर वो ज़खीरा अंदोजी आपको आपकी और आपकी औलाद की ज़िंदगी की गारंटी देता है, वो रिस्क जो आपने जमा किया हुआ है, तो फिर आप ज़रूर जो है ज़खीरा अंदोजी करें। लेकिन अगर आप ये समझते और आप ईमान रखते हैं कि ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है, तो आप सबको हम अल्लाह ताला का वास्ता देते हैं कि अपने हमसायों का ख्याल करें। ऐसा ना हो कि हम तो कोरोना से बचने की कोशिश करें और यहाँ पे हमारे गरीब गुरबा मजदूर जो है वो भूख और प्यास की वजह से मरे। तो आप सबको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ, प्लीज़ सब मेरे उन भाइयों से, उन बहनों से गुजारिश है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं, वो अपने वसाइल को दुरुए कार ला कर उन गरीब तबके की मदद करें, हेल्प करें। और इन मक्का माल रेजिडेंसी के ओनर हैं, इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इनको इज्जत के साथ साथ बहुत कुछ वसाइल दिए, और जब भी हम इनको कहते हैं ये हमारे साथ हेल्प करते हैं। तो आज पूरा दिन जितनी भी हमने कंप्लेन की है, हमने मक्का माल रेजिडेंसी के तमाम मैनेजमेंट और इन्होंने हमारे साथ, इन्होंने और लजीज यूसुफ़ज़ई साहब जो इनके वालिद मोहतरम हैं, तो उन्होंने हमारे साथ इसमें तावन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें और सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमने चाहिए कि जो गवर्नमेंट हमें इकदाम कर रही है स्पेशली हेल्थ के हवाले से और जो तदाबीर बता रही है हेल्थ डिपार्टमेंट, हमने सब पर अमल करना है और दूरी इख्तियार करनी है। जब तक हमें हेल्थ डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर करता है, हमने उसको फॉलो करना है। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने जहान।